तो आज मेरा प्रेस ब्रीफिंग करने का मकसद यह है कि जो 23 फरवरी को ले तुमीगंगा को जिस हालत में पाया गया उसी का मुद्दे पर मैं बात करने आया हूं। तो आज हम KKWS गलो वेलफेयर सोसाइटी के बैनर में हम काम करते हैं, वो हमारा पेरेंट बॉडी है। तो सबसे पहले जो भी कैंडल मार्च में आया था, हर कम्युनिटी को मैं अपने दिल से तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ। और आज मैं हर कम्युनिटी का, चाहे वो एंटायर स्टेट का जो भी कम्युनिटी है, उसको थैंक्स देता है और अपील भी करता हूँ कि फर्दर आगे इसी तरह हम लोग लड़ते रहेंगे, क्योंकि ये कम्प्लीटली मर्डर है, उसको अनहर्ट करने में हर कम्युनिटी हमको मदद दे। और ये इशू को लेकर के हम KKWS स्पीयर हेड करेंगे गलो GWS का बैनर में रह के। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल जितना भी खास करके हमारा मिसमी कम्युनिटी और आदि कम्युनिटी को अपील करना चाहूँगा, क्योंकि ये अलेज एक्यूज जो है वो एक तो आदि कम्युनिटी से बिलोंग करता है और एक तो मिसमी कम्युनिटी से बिलोंग करता है। तो हम लोग ये अपील करते हैं कि उसको हम लोग कम्युनल कलर में ना दें, क्योंकि क्राइम क्रिमिनल जो होता है क्रिमिनल ही होता है, उसी नज़र से हम देखना चाहिए। तो ये बुमसुंग क्रोंग जो है SI है, SIC में इंस्पेक्टर है, उसको एलिगेशन हम लोग इसलिए लगा रहे हैं कि उसको इंडिविजुअल में देखें, कोई कम्युनिटी बेस में नहीं देखना है, क्योंकि ले तुमीगंगा 3:30 को उसका फोन आता है, 3:30 को उसका फोन आता है तो आपको CBI ने समन किया। तो 3:30 आने का बाद वो अपना बेटी का बर्थडे मना रहा था, हाथ में केक था, सेलिब्रेट करना चाहता था। उसने कहा कि आज नहीं हो पाएगा, कम से कम कल आने से होगा बोला है। तो बुमसुंग करो SI जो बोला है वो नहीं, अभी विदिन हाफ आवर में आ जाओ, आधा घंटा में आ जाओ। तो आने का बाद वो जाने का बाद वो चप्पल सिर्फ जूता लगाने का भी मौका नहीं दिया, चप्पल पहन के सिर्फ चला गया। तो बाद में लेट हो गया स्विच ऑफ आ गया पुन। तो परिवार वालों ने वहाँ में CBI ऑफिस में गया, CBI ऑफिस में जा करके पूछा ये आप लोग कस्टडी में रखा है क्या तुमीगंगा को? तो CBI ने कहा नहीं, हम तो सामन नहीं किया, हम तो नहीं बुलाया, यहाँ आया नहीं है। तो वो बुमसुंग क्रोंग का अगर फिर गया, वो उसको पूछा है तो ना हम कॉल जरूर किया था, हम जरूर कॉल किया था लेकिन यहाँ आया नहीं है। तो सिस्टम में भी गड़बड़ है। तो ये बुमसुंग क्रोंग एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होके विदाउट सामन, CBI का सामन लेटर नहीं हो करके टेलीफोन से क्यों बुलाया, ये सिस्टम है। इसलिए बुमसुंग क्रोंग का ही कॉल करने का बाद, एक तो कॉल करने का बाद वो निकला है, और निकालने का बाद फिर जब इसका फोन स्विच ऑफ से पहले वो उसका एक मैसेज हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में छोड़ता है, हमारा ग्रुप में छोड़ता है, डियर एस्टीम मेंबर्स, आई एम इनोसेंट, आई हैव नेवर बीन इन्वॉल्व इन द एपिशियस फियास्को एंड आई एम बीइंग टारगेटेड, ऐसा लिख के हमको मैसेज हो रहा है। तब 4-5 मिनट का बाद इसका मोबाइल वेंट स्विच ऑफ होता है। उसका बाद सुबह जो रात को दुना नहीं मिला, फिर सुबह जाके दुनाए तो उसको हैंगिंग पाया गया। तो इसको प्योरली हम तो कहते हैं ये प्योरली मर्डर है, इसलिए ये ओ एपिशियस ये फियास्को में पेपर लीकेज फियास्को में प्राइम विटनेस था, इसलिए उसको मर्डर किया गया है, ये हमारा मानना है। और जो भी इस केस में हमको इनपुट देगा, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन देगा, हम सोसाइटी आज ये अनाउंस करते हैं हम 10 लाख रुपीज़ हम सोसाइटी जो हमको इनपुट मिलेगा उसको देगा,
और ये टेलीफोन नंबर भी ये है, इस टेलीफोन नंबर में कांटेक्ट करना है 9436266144। यह नंबर में कांटेक्ट करना है। आपका जो भी मैसेज आएगा उसको गुप्त रखा जाएगा। ये करगू कर्डियो वेलफेयर सोसाइटी का तरफ से ये अनाउंसमेंट है। उसका अलावा हमारा मेंबर बात करेंगे। गुड आफ्टरनून ऑल द फ्रेटर्निटी मेंबर्स ऑफ द स्टेट। यहाँ में जैसा मेरा कार्गो कार्डिक वेलफेयर सोसाइटी का जो प्रेसिडेंट ने जैसे अभी अभी कहा कि ये मर्डर केस है, टोटली एक प्री प्लान मर्डर है, तो इसी के बारे में मैं ज़्यादा सब नहीं बोलूँगा क्योंकि उन्होंने जो भी बोलना था वो उन्होंने बोल दिया। और ये अभी जो भी हम बोलेगा, जो गवर्नमेंट को हम जो डिमांड अभी जो आप लोग का जो मेमोरेंडम जो दिया है अभी, इसमें तो बेसिकली दो पॉइंट है जिसको हम लोग ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को मिलेगा, तो इसलिए वो उसी पॉइंट को लेकर मैं बोल आप लोग के सामने रखना चाहूँगा। ये कि सबसे पहले कॉल रिकॉर्ड्स, डिटेल कॉल रिकॉर्ड्स जो जो बुमचो कॉरम और जो हमारा लेख तुम्हें का करने जो भी बात हुआ है, स्पेशली पर्टिकुलरली 23 शाम को जब 3:30 को उसने जो कॉल किया था सीबीआई ऑफिस में और उसको आने के लिए समन जब किया था, उसी 3:30 से लेके आपका उसका मोबाइल स्विच ऑफ होने तक उसका पर्टिकुलर कॉल रिकॉर्ड को हम लोग कोशिश करेगा कि गवर्नमेंट इसको पब्लिकली इस चीज़ को खुलासा करें। और उससे पहले भी जो भी बात हुआ है उन दोनों के बीच में उसको पब्लिक के सामने गवर्नमेंट रखे, और या तो हमारा एसपी जीवी सीरम उस चीज़ को इनिशिएट करके पब्लिक के सामने रखे कॉल डिटेल्स को, क्या बात हुआ दोनों के बीच में। और हमारा लेन तुम्हें का जो मोबाइल पे काफ़ी दिन से कुछ जो कॉल्स जहाँ से भी आया हो उस चीज़ को भी लेके हम मांगेंगे, डिमांड करेंगे कि इसको विक्टिम फैमिली को सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं बल्कि हमारा सारा अरुणाचल का जो वासियों को सिटीजन्स को सबका सेटिस्फेक्शन के लिए इसको पब्लिक का सामने रखें, ये हमारा फर्स्ट डिमांड रहेगा। और दूसरा जो है हमारा एक सेकेंड पॉइंट है जो मेमोरेंडम में जो हम प्लेस किया है उसमें ये है कि जो स्टेटमेंट सिंस उसका सस्पेंशन जब से उन लोग को सारा ऑफिसर्स को जो एपीसीएससी ऑफिस में जिसको भी सस्पेंड किया हो उसी के साथ उसको जितना भी इंटरोगेशन जो इन्वेस्टिगेशन टीम ने जो भी लिया है एसआईटी ने लिया ऑन रिकॉर्ड, देन एसआईसी ने लिया ऑन रिकॉर्ड, देन सीबीआई ने लिया, उसको हम लोग के तरफ से हम लोग सोसाइटी एज ए होल और आपका ये एक विक्टिम फैमिली के तरफ से भी हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको पब्लिकली उस चीज़ को भी खुलासा करें, सबके सामने इसको रखे गवर्नमेंट। और जो अभी जो स्पेशल एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाया है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूट किया है इंसिडेंट के बाद जो हमारा एसपी जो केंगो दिर्ची डीएसपी को लगाया है उनका टीम को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा साथ साथ में कि इस चीज़ को खुलासा करें, सबका सामने रखें ताकि सब मालूम होना है कि उसने क्या ऐसे रिकॉर्ड दिया, क्या ऐसे स्टेटमेंट दिया एसआईटी एसआईसी सीबीआई के सामने जिसका द्वारा आज उसका लाइफ को खोना पड़ा। तो जैसे हमारा प्रेसिडेंट ने बोला कि हम सब फैमिली वाला और उसका रिलेटिव्स उसका जो चाहने वाला सबको यही एक अप्रहेंशन है कि हो सकता है जैसे सब ने बोल रहा है, इवन हमारा मीडिया
पर्सन ने भी कल परसों एक प्रेस रिलीज में भी दिया था प्रिंट मीडिया में कि उसको एक प्राइम एक विटनेस बनाया गया था स्पेशली सीबीआई डिपार्टमेंट ने, तो की विटनेस बनाने के कारण से हो सकता है तो किसी के लिए प्रॉब्लम रहा होगा, प्रॉब्लम होना तो होगा, इसलिए शायद उसका लाइफ आज नहीं रहा, उसका लाइफ डेंजर में हो कि उसका आज हम सबके बीच में नहीं है। तो हम लोग का मानना है वो ऐसा जो आदमी लोग जो बोलते हैं अपना से कूद किया, कूद मारा खुद को, इस तरीके का जो फेसबुक में सोशल मीडिया में कुछ कुछ लोग बातें करते हैं, उन सभी का सामने मैं रखना चाहूँगा कि वो ऐसा आदमी नहीं था। ही वॉज अ वेरी सिंपल पर्सन लिविंग इन अ डिलैपिडेटेड गवर्नमेंट क्वार्टर्स, उसका बैंक बैलेंस बिल्कुल नहीं है और उनका कोई लग्जरियस कार नहीं है, ना कि वो एक डिसऑनेस्ट जो एक ऐसा सर्विस मैन एक हिसाब भी नहीं था। ही वॉज वेरी ऑनेस्ट पर्सन, एक बहुत अपना जो परिवार जो उसका जो चार बच्चा है उनको लेके अपना बीवी को लेके बहुत खुश था, और चौथा से एक गवर्नमेंट क्वार्टर में बैठता था जहाँ में बिल्कुल बैठने का अनहाइजीनिक है, तभी भी उसने काफ़ी मोर देन 30 ईयर्स जैसा उसने काफ़ी ऑफिसर होने तो उसने बैठा। तो ये सबको देख के हम लोग का मानना ये है कि वो कभी ऐसा अपना अपना खुद को कभी इस तरह लाइफ जिंदगी को नहीं ले सकता है, तो इसलिए सोशल मीडिया में भी जो भी बोलता है उन सभी के लिए ये एक्नॉलेज है कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और जहाँ तक हम लोग का मानना है कि उस समय जैसे उसने जो कॉल मिलने के बाद जो बुमसुरम जो इंस्पेक्टर ने जो कॉल किया उनको आने के लिए, उस समय जैसा मेरा प्रेसिडेंट जैसे बोले, मैं दोबारा दोहराना चाहूँगा कि उस समय उसका बच्चा का लड़की बच्चा का बर्थडे था, उसने केक भी लेके आया और इसका कारण से उसने जब बुलाया उसने रिक्वेस्ट किया था कि ऑफिसर को आज मेरा शेड्यूल थोड़ा अपना फैमिली के लिए और अपना कुछ काम है तो कल आने से होगा क्या, बोलते समय में भी उसी ने बोला कि नहीं विद इन हाफ एन आवर्स में आप ये हमें हाजिर होना है, आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, वो उनका का डिस्कशन जे चल रहा था बोला है एज पर स्टेटमेंट ऑफ जो हमारा जो डिजीज फैमिली का जो विक्टिम का जो ये का लेट भूमिका का मिसेस का कहना है ये है। और जो उसका ऑन द रिकॉर्ड जितना भी ऑफिसर उसको इन्वेस्टिगेट किया है हमको सुनने मिल रहा है, आज ऑफिसर भी बोलेगा होगा आप लोग के सामने भी कि वो एक क्लीन चिट मिल ही रहा था और क्लीन चिट उसको मिला भी है, और ये गवर्नमेंट का इन्वेस्टिगेटर जितना भी ऑफिसर थे उन लोग का आज भी उन लोग बोल रहा था कि कल परसों भी हम लोग जब इंटरव्यू किया है वो तो एक बहुत सिंपल आदमी था और उसका तरफ से कुछ ये ऐसा कुछ एक भी गलत जो एक भी जहाँ में उसको इम्प्लिक करने का है जो केस में इलीगल ये में इम्प्लिक करने का है ऐसा तो कुछ चांस नहीं था। तो चांसेस ऑफ मतलब जो भी उसका आज भी अपना लाइफ को खोया है उस हिसाब से चांस ही नहीं बनता है। सो हम लोग का मानना है दिस इज टोटली ए प्री प्लान मर्डर, तो इसलिए और डायरेक्ट जो मुंशीकरण को डायरेक्ट आता है कि उसने कॉल किया, तो उसी हिसाब से अगर उसने कॉल नहीं करता उस सब हो सकता है हमारा बीच हमारा आज ले भूमिका का हमारा बीच में होना था होगा, इसलिए हम लोग का मानना है कि उसका वजह से उसका लाइफ आज चला गया। इसलिए ये चीज़ को मिसअंडरस्टैंडिंग जो हम लोग का बीच में कुछ कुछ लोग का बीच में होना नहीं है, और हमारा सिविल सोसाइटी और हमारा कम्युनिटी जितना भी है इस चीज़ को गलत नज़र से कोई भी नहीं देखता, कोई भी कम्युनिटी, और यहाँ में कोई रिलीजन कोई कास्ट क्रीड या कम्युनिटी का बेसर कुछ ऐसा ये नहीं है, ये टोटली एक हम लोग जो भी नाम लिया है उस इसमें ये इन्वॉल्वमेंट का कुछ कुछ चीज़ में इन्वॉल्वमेंट रहा है इसलिए उसका नाम लेना पड़ रहा है। और ये तपन मेसर का जहाँ तक बात है
लास्ट टाइम हम लोग एफ आई में भी लॉ एफ आई में उनका नाम हम लोग जिक्र किया है, उनका इसलिए है कि एज पर द स्टेटमेंट ऑफ लेट तुमिगंगक्स वाइफ, उनका कहना ये है कि जब उसका इंटरेक्शन जब सितंबर से चल रहा था उस समय उससे उसका तरफ से बहुत प्रेशर आ रहा था कि टकेजे सिर्फ यहाँ में नहीं होना चाहिए, इस तरह आप लोग का बीच में भी कोई होना चाहिए, इस टाइप का उसका तरफ से बहुत सारा प्रेशर आया था बोला है। तो इसका कारण से इसको ये उनको ये यहाँ में एम्पायर के ऊपर में हम लिखा है, तो इसको भी लेके बहुत लोग कमेंट करता है इधर उधर करके, स्पेशली फेसबुक में सोशल मीडिया में। इन सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस तरह लेना नहीं है, नोबडी शुड टेक दिस इशू एज अ कम्युनल ऑन कम्युनल लाइन, रादर दिस इज द आई थिंक सेंसिटिव, दिस इज वेरी सेंसिटिव इशू एंड दिस शुड बी शुड बी कंसर्न टू ऑल ऑफ द सिटीजंस ऑफ अरुणाचल प्रदेश एज अ होल, ये सबका होना चाहिए, सबका डिमांड होना चाहिए, क्योंकि ये अगर इस तरह अगर कंटिन्यू होते रहेगा कल को मर्डर जो सिस्टम जो है अभी जिस एंगल से हम लोग देख रहे हैं, इस तरह अगर चलते रहेगा कल को हमारा अरुणाचल रहने का लाइक नहीं होगा। तो इसलिए वंस फॉर ऑल ये चीज को हम लोग क्रिमिनल जो भी होता है तो क्रिमिनल आफ्टर ऑल क्रिमिनल ही होता है, इसलिए उसको हम लोग कई हमने लेकर से लेना नहीं, हम बार बार दोहराना चाहूँगा। और बाकी जो है आप लोग जैसे बोला अभी दो पॉइंट यहाँ में बहुत इम्पोर्टेंट है, कॉल रिकॉर्ड्स और स्टेटमेंट, वो चीज़ को लेकर हम ये एनेक्चर बना के इसमें आप लोग को इसमें भी मिला होगा कुछ कब कब SIC टीम उसको ये किया था, इन्वेस्टिगेट के लिए बुलाया था, SIC को बुलाया था, CBI को बुलाया था, कॉल कब किया था, वो सबको दिया हुआ है। तो अगर बाकी आप लोग कुछ पूछना चाहेगा तो पूछ सकता है। नहीं, इसमें तो प्री प्लान मर्डर इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि वो जो जगह में वो हैंग पाया गया वो जगह अकेला कर ही नहीं सकता है, ऐसा सर्कमस्टेंस एविडेंस से हम बोल रहे हैं। ऐसा जगह है वहाँ कोई भी अपना आप से लटक नहीं सकता, उसका हाथ कटा हुआ है, पैर कटा हुआ है, फिर ऊपर में जाके अपना से फांसी लगाना, वो भी 10 फुट का जमीन से 10 फुट का ऊपर में लटका है। तो यह सर्कमस्टेंस एविडेंस से हम मालूम होता है कि ये प्री प्लान मर्डर है। कुछ पता चला आप लोगों को क्योंकि अभी तो ऑलमोस्ट आप लोग सप्ताह भर होने को है, क्या अपडेट है आप लोगों के पास? अभी प्रेस ब्रीफिंग करके डिमांड करने से इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस अच्छा चल रहा है कि नहीं, आपको कैसे पता कुछ चल रहा है, आप लोगों को आप बता सकते हैं? नहीं, इन्वेस्टिगेशन पार्ट टू और इन्वेस्टिगेशन टीम का है, वो हम लोग को बताता भी नहीं है। तो अभी जो मेमोरेंडम दे रहा है आपने, अभी जो मेमोरेंडम नहीं, CM को हम लोग इसलिए बोल रहे हैं कि उसको जो ये पार्ट को ये केस को प्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन करे और उसको सही उसका जितना सबऑर्डिनेट है उसको सही स्पीडी ये उसको इन्वेस्टिगेट करे और सही ये दिशा में जाना चाहिए, ये गलत में नहीं जाना चाहिए। वही अभी तक तो ऐसा कुछ क्लू नहीं मिला है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन तो चल रहा है, अभी चल रहा है। ये थोड़ा सा इसमें प्रेसिडेंट के सामने करना चाहेगा, जो इन्वेस्टिगेशन जो चल रहा है वो तो चल रहा है, और अभी बहुत सारा चीज़ को हम लोग कुछ चीज़ को बिफोर है हम लोग भी डिस्क्लोज करना नहीं चाहेगा, एंड
ऑथेंटिक नहीं होता है जब तक 100 लोग उन लोग का जो रिपोर्ट है हम लोग को जब तक फर्निश नहीं होता है तो वी कैन कमेंट ऑन दिस. लेकिन हम लोग के एक तो प्री प्लान मार्जर बोलने का जो इसमें ये भी है कि अभी जैसे देखते हैं आप लोग भी देख रहा होगा जो जैसे इसको अगर कोई आदमी ने मर्डर भी किया हो तो इसका गाड़ी को जैसे सीसीटीवी फुटेज में जैसे हम लोग देखने मिलता है उसमें देखता है कि जहाँ में दो जगह में मेन पॉइंट होता है जिसका थ्रू से रिकॉर्ड होना चाहिए वो जो है अभी दीपांग होकर बैठा हुआ है काफी दिन से दो जगह. तो यहाँ से भी हम लोग लगता है कि ये एक प्लान तो नहीं है क्या. इज इट नॉट ए प्री प्लान टू मर्डर समवन. क्योंकि जैसे बोलते हैं ना 10 दिन 15 दिन हुआ है उसको उन लोग रिपेयर नहीं किया बनाया नहीं है तो गाड़ी लग के उसको स्पेशली चिंतू एरिया का बात कर रहा हूँ देन वो जूस है का तो उसमें सीसीटीवी फुटेज वो जो है वो उन लोग का जो अभी जैसे बोलता है उसको मीडिया में ये तो मीडिया में चल रहा है आप लोग का कोई फ्रेंड नहीं उसको ये किया हम लोग उसको उसको देख के बोल रहे हैं रिलायबल से सोच के हिसाब से आप रिलायबल सोच हम सोच रहे थे कि आप पता करके क्या होंगे. बहुत सीसीटीवी कैमरा जो है काम नहीं करता है कभी कभी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता है या टेक्निकल डिफेक्ट होने का वजह से या मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का तरफ से ठीक से नहीं करने का वजह से भी शायद हुआ होगा. नहीं ऐसा लग रहा है कि वो खराब होने नहीं नहीं ये मनोज जी सीसीटीवी जो फुटेज का बारे में वो तो इन्वेस्टिगेशन टीम ही जानता है. वी डू नॉट नो द सीसीटीवी एग्जैक्टली कहाँ में क्या है कहाँ खराब है दैट वी डू नॉट नो. लेकिन ये जो मेंबर बोला है वो ये बोला कि ये एक तो आपका मीडिया में चल रहा था ये का हाँ हाँ उसको दे उसी का आधार पर बोल रहा है अदरवाइज हाँ काफी कोशिश किया था पता करने के लिए कैपिटल कॉम्प्लेक्स में 256 सीसीटीवी है जो एक सिविल सेक्रेटरी में मॉनिटरिंग होता है एक कैपिटल डिप्टी कमिश्नर का चैंबर में मॉनिटरिंग होता है तो काफी खराब रहता है. और एक्चुअली चाहिए था स्मार्ट सिटी जब हम ईटानगर स्मार्ट सिटी है तो अपडेट होना चाहिए था सिस्टम को अपडेट में रहना चाहिए था. ऐसे नहीं होने का वजह से अभी आप लोगों को भी एक डाउट था और डाउट करना भी जरूरी है क्या क्या बोलते हैं आप. नहीं नहीं हम लोग बिल्कुल दावत नहीं करेंगे यह गवर्नमेंट का ड्यूटी है. अगर सीसीटीवी ठीक नहीं रख पा रहा है स्मार्ट सिटी में कुछ नहीं हो पा रहा है दैट इज़ द कम्प्लीटली फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट. आई एम नॉट गोइंग टू कमेंट ऑन दिस. लेकिन यह इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है उसमें हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे.